नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की, और टाटा पावर का अगर शेयर प्राइस इस समय देखें तो आपको 216 रुपए के लेवल पर स्टॉक दिखाई दे जाता है। और अगर वहीं 6 मंथ का चार्ट लगाएंगे तो स्टॉक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पर खरीदारी कर रखी है, जो कि आपको पता है इसका 52 वीक हाई 269 रुपए का हमें देखने को मिल जाता है, तो वहां से अगर देखें तो स्टॉक लगभग आपको 40-45 रुपीस का लॉस दे रहा है पर शेयर। और यहां पर इसी वजह से आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं टाटा पावर को लेकर के, कि यहां पर निवेश करना सही है या फिर नहीं है, तो करें तो किस लेवल से कर सकते हैं। तो यहां पर वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबाइएगा। यहां पर अगर हम देखें टाटा पावर के अंदर लास्ट 5 डेज का अगर आप चार्ट निकालेंगे तो मार्केट में जब बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, स्टॉक आपको काफी नीचे के लेवल पर जाते हुए दिखाई दिया था, और 200 रुपए के लेवल से तो ये बेस्ट स्टॉक था, टाइम था आपके पास इसमें निवेश करने का, जो कि शायद से बहुत सारे लोगों ने डर करके ये मौका गवा दिया होगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो अभी आपके लिए स्टॉक लगभग 6-7% का प्रॉफिट भी दे रहा है यहां पर, और अभी भी स्टॉक के अंदर खरीदारी की जा सकती है। 215 रुपए के लेवल के नीचे अगर आपको ये स्टॉक अभी भी मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म की अगर नजरिया रख के आए हैं तो बेशक इसमें निवेश कर सकते हैं और लंबे समय के लिए स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 1 मंथ के बाद अपना 52 वीक हाई वापस से क्रैक करता हुआ नजर आ जाएगा। आपके पास दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज एक और होगा अगर आप टाटा पावर कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते होंगे, वो एडवांटेज है टाटा पावर का जो ग्रीन एनर्जी का IPO आएगा, उस IPO में आपके लिए अलग से शेयर पहले से अलॉट की जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके अंदर निवेश कर चुके होंगे, तो एक IPO आपके पास एक्स्ट्रा विदाउट अप्लाई किए भी आपको उसके शेयर मिल जाएंगे, जिसका एडवांटेज आपके पास होगा वो आप शायद खुद से भी समझते होंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर बात करें तो आपके पास 2 कंपनियां देखने को मिलेंगी पावर सेक्टर में जो बड़े लेवल पर काम कर रही हैं, जिसमें एक है टाटा पावर और दूसरा अदानी पावर। और इन दोनों में से अगर हम चूज करने की बात करें किसको हमें प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए, तो टाटा पावर डेफिनेटली वहाँ पर एक अपना अलग मुकाम सेट किया हुआ है। सबसे पहली चीज़, टाटा पावर कंपनी के पास में कई सारी ऐसी एडवांटेज हैं क्योंकि इनका बहुत सारी कंपनी के साथ टाई अप ऑलरेडी हो चुका है, और EV सेक्टर में जैसे जैसे आप देखेंगे नई कंपनियां भी आ रही हैं, नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से टाटा पावर का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इनकी खुद की एक कंपनी भी आपको पता ही है, टाटा मोटर्स, जिसकी वजह से आपने देखा कि टाटा पावर के अंदर काफ़ी टाइम पहले काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी थोड़ा स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि आप देखेंगे तो 200 रुपये का जो एक लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल स्टॉक का बन चुका है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से खरीदारी करना एक अच्छा चांस है आपके लिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तभी अच्छी चीज़ें रहती हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में भी आप यहाँ से पर स्टॉक 20-30 रुपीज़ का प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप अपनी सही स्ट्रेटेजी के साथ में निवेश करते हैं। तो टाटा पावर स्टॉक आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो खरीदारी कर सकते हैं, एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।